होली रमजान माह छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर शांत समिति की बैठक हिंगनघाट शहर के पुलिस स्टेशन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी रोशन पंडित परिवेक्षाधीन आईपीएस पुलिस अधिकारी वृष्टि जैन की उपस्थिति में आयोजित की गई। इस मौके पर उपरोक्त पुलिस अधिकारियों ने जनता से इन तीनों त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्षदों, पत्रकारों, महिला प्रतिनिधियों ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी राय व्यक्त की और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आज हिंगनघाट पुलिस स्टेशन में आयोजित बैठक के दौरान होली के अवसर पर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जाने की अपील उप विभागीय पुलिस अधिकारी रोशन पंडित और परिवेक्षाधीन आईपीएस पुलिस अधिकारी वृष्टि जैन ने की। बिना किसी अतिरिक्त के पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली होली मनाने का आह्वान जनता को किया है। जैसे कि आपल्या सर्वांना माहित आहे की येणाऱ्या या 8 दिवसाच्या कालावधीमध्ये आपले रमजान नंतर होळी आणि शिवजयंती अनुषंगाने कार्यक्रम होत आहे, तर यामध्ये आपण आता मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधक कारवाई करत आहोत। तसेच जे काही 144 तडीपारीचे आदेश आहेत ते आपण काढत आहोत। 55-56 प्रस्ताव आपले चालू आहेत, इतर जे प्रस्ताव आहेत त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आपण बंदोबस्त पण चौकात आणि काही एरियामध्ये देत आहोत, जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचा कायदेशीर प्रश्न निर्माण नाही झाला पाहिजे। तसेच या होळीच्या अनुषंगाने माझी नागरिकांना विनंती आहे की सर्वांनी इको फ्रेंडली होळी करावी, पाण्याचा गैरवापर करू नये, तसेच जबरदस्तीने कोणाला रंग लावू नये, जेणेकरून कुठलाही प्रश्न आणि कायदेशीर प्रश्न निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी। सर्वांना होळीच्या, रमजान ईदच्या आणि शिवजयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी येनुरकर की रिपोर्ट।